नमस्कार, मैं हूं अंजनी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रे नाइट हब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार के बाहर फंसे हैं तो किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने श्रमिकों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी है। अभी जयपुर से कल एक ट्रेन खुली थी, आज कोटा से ट्रेन खुलने वाली है, और ये हैदराबाद से झारखंड के लिए भी कुछ ट्रेन खुली थी। तो इसी तरह से अब धीरे धीरे सभी स्टेट से ट्रेन खुलेंगे और सभी श्रमिकों को उसके स्टेट ले जाएगा। और अगर आप बिहार से हो और बिहार के बाहर फंसे हो तो किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कि हमको जाना है, और किस प्रकार ट्रेन का रिजर्वेशन कराओगे, इसके बारे में पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस से देने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दूसरी बात ये बता रहा हूं कि अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में फंसे हैं, तो राजस्थान सरकार ने अपना एक वेबसाइट जारी कर दिया है, उस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में अगर आप दूसरे स्टेट में हैं राजस्थान छोड़ के, तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी है। अभी 5-6 जगह से श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेन चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, काफ़ी लोग फंसे हुए। अब बिहार की बात करें तो करीब 29 से 30 लाख लोग तो ये ₹1,000 बिहार कोरोना सहायता के लिए एप्लीकेशन दिए थे, तो काफ़ी लोग हो गए हैं। अब उनको घर बैठे हैं, अब लॉकडाउन है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कि हम घर चले जाए। मैं आपको कुछ नंबर दिखाऊंगा, सारे जो बिहार के बाहर जितने स्टेट हैं वहाँ प्रवासी लोग, प्रवासी श्रमिक फंसे हुए या बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए ये नंबर इश्यू किया गया है, बिहार सरकार ने इश्यू कराया है। एक तो आप ये नोडल अधिकारी से बात कर लोगे, दूसरी बात कि आप जिस स्टेट में रहते हो, मान लो कि आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई वगैरह में पुलिस स्टेशन में सब अनाउंस करके बोल रहा है कि भाई आप बिहार के बाहर जाने, बिहार जाने वाले या किसी भी राज्य के हो जो मुंबई से बाहर जाना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करा ले। एक तरीका वो भी रजिस्ट्रेशन कराने का, दूसरा तरीका है आप अपने नोडल अधिकारी से बात कर लेंगे, ये तरीका है जाना है। और जहां तक ट्रेन में रिजर्वेशन कराने का है, तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, कहीं से आपको टिकट खरीदने का जरूरत नहीं है, कहीं से आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है। जब आप अपने नोडल अधिकारी से बात करोगे तो वो नोडल अधिकारी ही अवेलेबल कराएंगे, आपको टिकट अवेलेबल कराएंगे, आपको एक पैसे नहीं देने हैं। ये पैसा जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार से वसूलेगी। किसी भी आदमी का न खाने का पैसा लगेगा और ना ही ट्रेन में यात्रा करने का पैसा लगेगा, और ना आपको रिजर्वेशन कराने का झंझट है। तो दोस्तों, मैं और आगे ना बढ़ते हुए मैं आपको जितने नोडल अधिकारी का अनाउंस किया हुआ है हर स्टेट का, मैं वो आपको दिखा देता हूं, और आप वीडियो पॉज करके जो जिस राज्य में आप फंसे हुए हैं उस राज्य का आप वहाँ नोडल अधिकारी का नंबर लेके आप डायरेक्ट उनको कॉल करके अपना जगह बता सकते हैं और अपना डिटेल के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और कितने लोग आप फंसे हुए उनको जानकारी देंगे, और वो जानकारी के हिसाब से ही आपको 2-4 दिन में मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्रेन कितने तारीख को निकलना है और कब आपको निकलना है और क्या सीट नंबर वगैरह है, सारा डिटेल आपको वहीं से मिलेगा। तो ये नंबर मैं दिखा रहा हूँ, ये बिहार सरकार का नोटिफिकेशन आया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, और इसमें जितना नोडल ऑफिसर है वो नोडल ऑफिसर का सारे का नंबर, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में पलका साहनी IAS है या शैलेंद्र कुमार DSA, और उनका सब का नंबर दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को आप पाउज करके, आप जिस स्टेट में हो जूम करके आप इसका पाउज करके आप ये नंबर ले सकते हो। मैं सारे को दिखा रहा हूँ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे इस साइड में, लेफ्ट साइड में सारे स्टेट का नाम है, और बीच में जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है बिहार सरकार की तरफ से आपके राज्य में, आप जिस राज्य में हो वो नोडल ऑफिसर का सब का नंबर है, आप वहाँ कॉल करके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेम वही आपको सारा
ट्रेन टिकट अवेलेबल करा देंगे, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, सारे वही करने वाले हैं। तो आप चिंता नहीं कीजिए, आप ये सब जो आपका नोडल ऑफिसर है उनका नंबर ले लीजिए और ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी का भी अवेलेबल करा देता हूँ। अभी आपको इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ कि बिहार सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह का है और नीचे है तमिलनाडु पौंडीचेरी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा केरला, ये सभी नोडल ऑफिसर है, इन्हीं से आपको कांटेक्ट करने हैं। और मैं आपको इसका हिंदी का वर्जन दिखा देता हूँ, ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये हिंदी में आपको जिस तरह से समझ में आया, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला कर ले, हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी वाला कर ले। आप इसमें भी वीडियो आप पॉज करके आप देख सकते हैं, आप जिस स्टेट में उस स्टेट का नोडल ऑफिसर है और उन सब का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सारे स्टेट का है, आप देख लीजिए। इस तरह से आप ये नंबर लेके आप उनको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, तो उनका राजस्थान वाले अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो चलिए मैं राजस्थान का वेबसाइट को दिखा देता हूं कि वहां पे किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। वहां ये नोडल अधिकारी भी है, आप उनको भी कर सकते हैं, और राजस्थान का वो वेब पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, उस पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार राजस्थान में अगर आप फंसे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो दोस्तों दो वेबसाइट है राजस्थान के लिए, पहला तो e-mitra-rajasthan.government.in है और दूसरा rajasthan.government.in है। rajasthan.government.in थोड़ा अभी स्लो चल रहा है, इसलिए मैं e-mitra पे आपको लाके करके दिखा रहा हूं, आप दोनों में से किसी भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, और ऊपर देख रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट है, आप इसको क्लिक करने हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट का, तो आप यहां देख लो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा इस प्रकार, और यहां आप ऊपर में देख रहे हैं माइग्रेंट मूवमेंट। माइग्रेंट मूवमेंट मतलब इनवर्ड मतलब जो राजस्थान आने वाले हैं, आउटवर्ड जो राजस्थान से बाहर जाने वाले हैं। तो अपने को बिहार जाना है तो आउटवर्ड क्लिक करेंगे, आउटवर्ड पे यहाँ क्लिक किया हुआ है। अब आप यहाँ लिखोगे रूरल में है या अर्बन में है, आप किस जगह पे है, ठीक है रूरल है अर्बन है, तो अगर आप शहरी जगह पे है तो अर्बन कर दीजिए, रूरल में है तो आप गांव में है तो आप रूरल कर दीजिएगा। और जिस जगह पे है आप वहां पे डिटेल दे देंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पंचायत लिखा हुआ है, यहाँ कौन सा डिवीजन है, कौन सा तहसील है, और यहाँ एड्रेस इंग्लिश में आपको लिखने हैं। तो आप क्लिक करके देख सकते हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो वो आप यहाँ क्लिक कर लोगे। और दूसरा, गंतव्य कहाँ तक जाना, कहाँ जाना है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट में जाना है, यहाँ एड्रेस डालेंगे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन में हो जाएगा, नेम हो जाएगा, आप पुरुष है या महिला है, उम्र हो जाएगा, और अगर और ज़्यादा है तो यहाँ ऐड माइग्रेंट करेंगे, यहाँ ऐड और करेंगे तो और यहाँ नाम आ जाएगा, मतलब आप एक साथ चार पाँच जने का भर सकते हो, और इसको ऐड करोगे तो और लोगों का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आदमी बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मतलब अगर आपके पास खुद का गाड़ी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, हाँ ना ही कर सकते हो, अगर आपके पास खुद का गाड़ी नहीं है तो आप नो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इतना भर देने के बाद आपको सबमिट करना है, और ये सब आपको काफ़ी ध्यान से भरना है, काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत होगा नहीं। जैसे राजस्थान हो गया, सेलेक्ट डिवीजन कर दीजिए, डिवीजन मान लीजिए अजमेर डिवीजन में कर दिया, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अजमेर डिस्ट्रिक्ट कर दिया, तहसील कर दिया। मैं एक तरह से आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो मुझे पता नहीं है कौन कौन सा है, तो मैं एक टाइप करके दिखा रहा हूँ, आप वहाँ रहते हैं तो आपको पक्का पता होगा कि कौन सा डिवीजन में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से आपको भर के और यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे तो आपको एक मैसेज आएगा सबमिशन का कि हाँ आपसे सबमिट हो गया है, और फिर जब ट्रेन खुलने वाली रहेगी तो आपको उसके लिए मैसेज आ जाएगा कि भाई ट्रेन खुलने वाली इतने तारीख को आपको इस ट्रेन से जाना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जगह लोग फंसे हुए, काफ़ी लोगों को आइडिया भी नहीं है कि आखिर हम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, कैसे जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा बिहार वासियों को मदद मिल सके, और वो अपना जितना जल्दी हो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना जल्दी उनको बिहार आने का चांसेस मिलेगा। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।